मंदिर निर्माण जो हो रहा है उससे खुश नहीं है क्या? खुश नहीं है बिल्कुल। कागज में कहाँ निकला? कोर्ट ने तो बताया कि वहाँ मंदिर थी, मंदिर को तोड़। कोर्ट ने बताया ना, कागज तो वही है ना। कोर्ट को नहीं भी निकला, कोर्ट को ऐसे नहीं मानेंगे, एक तरफा फैसला दे दिया। वैसी तो खुद भाजपा ही है भाई, वैसी की तो बात ही नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बस यही है कि जो एक तरफा फैसला दिया गया है। ऐसा है कि उसका विवाद खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात यही है। बात खत्म हो गई, अच्छी बात, अच्छी बात है। दोनों धर्म एक ही धर्म है, राम भगवान और राम अल्लाह एक है, मालिक निरंकाल है, उसके अनेक नाम है। मुस्लिम समाज के कई नेता लोग हैं वो कहते हैं कि अभी भी हमारे दिल में जो मस्जिद है वो जिंदा। ये सब बकवास बातें, ये सब बकवास बातें। निमंत्रण जाने के लिए 22 तारीख 22 जाने के लिए मिला है, सही है। हमको मिले हम भी जाएंगे, आपको मिला आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमको मिले हम भी जाएंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी लगातार उधर से गुजरते होंगे, क्या लगता है व्यवसाय वगैरह बढ़ रहा है, लोग आना शुरू हो रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह बढ़ेगा, तो ये व्यवसाय इंशाल्लाह बढ़ेगा, जब पब्लिक आएगी तो बढ़ेगा। भाई मंदिर बन रहा है, देखे हैं मंदिर निर्माण को? अब भाई हम तो नहीं गए अभी, रिक्शा चलाते हैं तो नहीं गए, फोटो में गए, फोटो में देख रहे हैं, वहाँ तक हम लोग को जाने नहीं देते। उस रोड से तो गुजरते होंगे? हाँ उस रोड से गुजरते, लेकिन मंदिर अंदर है ना, मंदिर अंदर है। फोटो में देखे हैं? हाँ फोटो में देखे हैं। कैसा लगा? ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है निर्माण वगैरह हो रहा है? ऐसा है कि उसका विवाद खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात यही है। विवाद खत्म हो गया, अच्छी बात, अच्छी बात है। हर आदमी खाए कमाए कायदे से, गलत कह रहे हैं, हर आदमी खाए कमाए कायदे से। कि आप तो चलिए रिक्शा चलाते हैं, मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, प्रताप प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद कई संख्या में लोग आएंगे, तो आपकी जो बिक्री व्यवसाय है बढ़ेगी? व्यवस्था बढ़ेगी, व्यवस्था बढ़ेगी, और क्या व्यवस्था बढ़ेगी, हाँ और क्या, लोग खाए कमाएंगे कायदे से, बाहर से लोग आएंगे यहाँ, यही तो पैसा धर जाएंगे, तो अब लोग खाए कमाएंगे कायदे से, और क्या। हाँ मुस्लिम समाज के कई नेता लोग हैं वो कहते हैं कि अभी भी हमारे दिल में जो मस्जिद है वो जिंदा। ये सब बकवास बातें, ये सब बकवास बातें। अदालत का फैसला है, सब मैन वही है, अदालत का फैसला मैन है, उसका मान सभी करेंगे, गलत कह रहे हैं, उसका मान सभी करेंगे, हर आदमी करना है उसका मान। अयोध्या के मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं खुश है। आज आज देखिए हाजी इकबाल, इकबाल ने क्या कहा है पेपर में पढ़िए, हाजी इकबाल क्या कहा है, बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं उनको तो निमंत्रण भी दिया गया है इकबाल साहब, वो गए थे, और क्या, मिला है निमंत्रण जाने के लिए 22 तारीख 22 हाँ जाने के लिए मिला है, सही है। हमको मिले हम भी जाएंगे, आपको मिला आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमको मिले हम भी जाएंगे, आपस में भाईचारा कायम है, और क्या, सही है। आप भी जाना चाहते हैं? बिल्कुल जाना चाहते हैं, हम भी जरा देखे तो, हम भी जरा देखे तो, आप जाके पूजा कीजिएगा, पूजा करे चाहे ना करे, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, बात एक ही है, हाँ बात एक ही है, मंदिर हो मस्जिद हो बात एक ही है, दोनों धर्म एक ही धर्म है, राम भगवान और राम अल्लाह एक है, मालिक निरंकाल है, उसके अनेक नाम है। अब जिस नाम से पुकारिए, जिस नाम से पुकारिए वो बोलेगा। हमको धूप छा नहीं मिलती, मिलती है तुमको, धूप छा मिलती है तुमको, मिलती है तो मालिक निरंकाल है, मालिक एक है, मालिक एक है। हाँ तो सब जय श्री राम बोलेगा, आप भी बोलेंगे क्या? देखिए एक बात कहना चाहेंगे, वंदे मातरम सभी बोलेंगे, वंदे मातरम हम भी बोलेंगे, साफ सुथरी बातें हैं। जी हाँ, वंदे मातरम सभी बोलेंगे, वंदे मातरम हम भी बोलेंगे। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उससे कितना खुश है आप? ठीक है, सब बन रहा है, अच्छी बात है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही होगा, उसको मानना पड़ेगा। और बोलो, आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ हम ई रिक्शा चलाते हैं। क्या लगता है आपको कि ई रिक्शा की अब कमाई बढ़ेगी? निर्माण हो रहा है मंदिर, लाखों की संख्या में लोग आएंगे और आ भी रहे हैं। आ रहे हैं मगर अभी जो है ये है कि रूट बाय रूट रिक्शे का बढ़ेगा तो कमाई कुछ कम हो जाएगी। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या मंदिर निर्माण जो हो रहा है उससे खुश नहीं है क्या? खुश नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं खुश है? बाबरी मस्जिद थी पहले और कागज में भी निकला बाबरी मस्जिद है, इसलिए नहीं खुश हैं। कागज में कहाँ निकला? कोर्ट ने तो बताया कि वहाँ मंदिर थी, मंदिर को तोड़। कोर्ट ने बताया ना, कागज तो वही है ना, कोर्ट को नहीं भी निकला, कोर्ट को ऐसे नहीं मानेंगे, एक तरफा फैसला दे दिया। पूरा भाजपा का सरकार था, भाजपा वालों ने अपने मनमानी किया। भाजपा वाले सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं क्या? अब ऐसा ही तो है, तभी तो एक जैसा फैसला दिए हैं।
अगर दोनों पक्ष था तो दो पार्टी नहीं रहता है कोर्ट में भैया, तो जानकारी होना चाहिए, पढ़े लिखे हो भैया? पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े? कहाँ तक, स्कूल न गए न फेल हुए हैं भाई से पूछो। अब आप जब आपने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हो, इतना बड़ा न्यायालय है, अरे के भाई क्या बताएं अब आपको। जैसे आप आ, 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 आप भी ओवैसी वाला बात कह रहे हैं क्या कि बाबरी मस्जिद आज भी दिल में जिंदा है? ओवैसी खुद भाजपाई हैं। ओवैसी तो कह रहे हैं नौजवानों तैयार हो जाओ, और भी मस्जिदों पर तैयारी की जा रही है। ओवैसी तो खुद भाजपाई हैं भाई, ओवैसी की तो बात ही नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बस यही है कि जो एक तरफा फैसला दिया गया है, हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं है। हम जितना हमारा बिजनेस है सब हिंदुओं से है, और उनको मुझसे है, उससे उसको है, तो उसका मंदिर बन रहा है, आप कह रहे हैं हम खुश नहीं हैं। मंदिर बनाएं मगर बाबरी मस्जिद की जगह बनाएं, ये गलत है ना। आपने अच्छा फोटो देखी, बाबर कौन था पता है? कौन था आप बताइए, हम नहीं जानते। उसके मस्जिद की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, कौन यहाँ थी बाबर के बारे में? अच्छा वहाँ मंदिर देखा था आपने? बाबर के मंदिर देखा था? मंदिर था वहाँ पे, देखा था फोटो? आप प्रमाण है ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बाबरी मस्जिद की फोटो दिखा रहे हैं? आप दिखाइए फोटो दिखाइए, हम दिखा रहे हैं तुरंत बाबरी मस्जिद की फोटो। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ फोटो है कि सुप्रीम कोर्ट से आप बड़े हैं? हम क्यों बड़े होंगे भैया, इतने बड़े आक्रांता था बाबर, उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं? अरे मेरे भाई आपके पास मंदिर की फोटो है? ऐसी सुप्रीम कोर्ट दे दिया? नहीं नहीं फोटो है, साक्ष नहीं था तो ऐसे मिल गया। हाँ तो क्या, मंदिर की फोटो है आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी साक्ष की फोटो आपको दिखा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष ऐसे ही दे दिया। मेरे भाई अब क्या बताएं, अब भाई से बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कर रहे थे बताइए? बाबरी मस्जिद ये तोड़ना नहीं चाहिए बाबरी मस्जिद को बस। अरे बन तो रहा है एक जगह, एक जगह बन रहा है तो हम नहीं मानते हैं, जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहीं बाबरी मस्जिद होनी चाहिए, हम उसको नहीं मानते बन रहा है। कोर्ट ने जगह दिया है उसको बनाइए जहाँ दिया, कोर्ट जहाँ कोर्ट ने जगह दिया वहाँ बना ही नहीं रहा है, दूसरी जगह बना रहा है, जमीन खरीद के खुद। हाँ